जय हिंद। मैं आप लोग के सामने कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि काफी लोगों के साथ ये दिक्कत होता है, मतलब कि बड़े बुजुर्गों लोग के साथ दिक्कत होता है, या तो यहाँ पे हालात पे देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी कभी कभार दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है कि हाथ कांपने लगते हैं, मतलब कोई भी आप सामान जो उठाइएगा उसमें क्या होगा, आपका हाथ कांपने लगेगा। यदि आप प्रैक्टिकली के तौर पर देखना चाहते हैं तो कोई भी पतला सामान लीजिएगा और बिना किसी सहारे ऐसे कीजिएगा, आपको अपने आप पता चल जाए कि मेरे हाथ कांप रहे हैं कि नहीं कांप रहे हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हाथ कांपते हैं, तो बहुत सारे यहाँ लोगों का ये चीज क्वेश्चन आता है कि सर हाथ क्यों कांपते हैं, आखिर हाथ कांपने का रीजन क्या है, आखिर उसे कोई कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, आखिर ज्यादा वो कोई बड़े मतलब कि बीमारी से कहीं ग्रसित ना हो गया। तो उससे आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके सामने दीपक कुमार आया हुआ है आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हाथ क्यों कांपते हैं। यदि आपको इसी तरह से यदि कोई अन्य दिक्कत यदि आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट डे इसका उत्तर दिया जाएगा। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है कि हाथ क्यों कांपते हैं, तो हाथ कांपने का सबसे एक रीजन होता है या तो छोटे बच्चे के भी कांप सकते हैं, या तो मिडिल एज के वाले भी व्यक्ति को हाथ कांप सकते हैं, या तो फिर बुजुर्ग व्यक्ति के भी हाथ कांप सकते हैं। बहुतों का कहना है कि ये सर ये कमजोरी के कारण कांपता है, लेकिन कमजोरी के साथ साथ अन्य सारे भी रीजन होते हैं। क्या रीजन होता है, कैसे होता है, इन सारे चीजों पर मैं आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला मैं बात करने वाला हूँ कि यदि बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के यदि हाथ कांप रहे हैं, मतलब कि अबव 25+ मतलब 25 एज से ऊपर वाले व्यक्ति के यदि हाथ कांपते हैं, तो हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर का जो है ब्लड प्रेशर काफी उसका या तो हाईली मतलब कि होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिसके कारण से हाथ कांपते हैं, क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के दौरान पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है ठीक से नहीं हो पाता है। जैसे मान चलिए अभी हम आपको जो पढ़ाए थे पिछला वीडियो में एक हम यहाँ पे पढ़ाए थे आपका पूरा हार्ट के बारे में बताए थे कि ब्लड कैसे जाता है, बाया आलिन से दाया आलिन जाता है, दाया आलिन से दाया नीले जाता है, और इस प्रकार से कितने माध्यम से होकर किस प्रकार से जाता है, कहाँ कहाँ होते हुए जाता है। तो मैं इन सारे वीडियो में सारे पहले में बात कर चुका हूँ, चाहे तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा कि हार्ट का पूरा यहाँ पे फंक्शन किस प्रकार से है। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम का आंसर यहाँ पे निकल क्या है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर का सर्कुलेशन यदि आपका ठीक से नहीं हो पा रहा, या तो कम हो रहा है या तो ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण से अभी हाथ कांपते हैं। आपका शुगर का लेवल, यदि आप शुगर चेक नहीं करवाया हो और यदि आप इसी तरह से चल रहे हो लेकिन आपका हाथ कांप रहा है, तो एक बार मेरा सजेशन आप शुगर का यहाँ पे चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि शुगर का भी यदि शुगर का लेवल यदि कम हो गया हो तो आपके शरीर में भी क्या होगा, स्ट्रेस कम हो जाता है, ठीक है। और स्ट्रेस कम हो जाने के कारण क्या होता है, हाथ कांपने लग जाते हैं। तीसरा आपका है कि यदि आपके शरीर में यदि विटामिन B12 का कमी हो जाएगा, विटामिन से रिलेटेड सारा वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर चुका हूँ, चाहे तो आप जाके देख लीजिएगा, वहां पे सारा पड़ा हुआ है। यदि आपके शरीर में विटामिन B12 का कमजोरी हो गया है, तो जिसके कारण से कमी हो गया है, तो इसके कारण से आपके हाथ पे कांपने लगते हैं और काफी कमजोरी आपको फील होता है। चौथा है कि यदि आपके शरीर में खून का कमी हो गया है, तो खून का कमी होने के कारण में आपके शरीर के क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और जिसके कारण से हाथ कांपने लग जाते हैं। यहाँ पांचवा प्रॉब्लम क्या है कि आपको शरीर में यदि स्ट्रोक का यदि प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक का प्रॉब्लम मतलब कि हार्ट से यदि कोई तरह का यदि दिक्कत हो, तो उसमें भी क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन का ठीक से नहीं हो पाता है, तो उसमें ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा ब्लड का क्या होता है, या तो हाई ज़्यादा ही प्रेशर आपको जाने लगेगा। ऐसे ब्लड का क्या होता है, 120/80 होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। 120 मतलब क्या होता है, अरे 80 मतलब क्या होता है, सारा इन सारी चीज़ों पर मैं बात कर चुका हूँ। 120 हाई वाला होता है और नीचे होता है डायस्टोलिक क्या होता है, 80 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे छठा नंबर की तनाव में आपके शरीर के कार्टिसोल नामक एक हार्मोन का जो होता है लेवल बढ़ जाता है। हमारे शरीर में क्या होता है, कार्टिसोल नामक एक हार्मोन पाया जाता है, यदि उसके बढ़ने से भी क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है काफी तेज हो जाता है, इसके कारण से भी हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे सातवां नंबर बात करने वाला हूँ, यदि आप धूम्रपान यदि करते हैं, ज़्यादा सिगरेट वगैरह का, तंबाकू वगैरह का यूज करते हैं, या तो फास्ट फूड वगैरह यूज करते हैं, या तो फिर प्रदूषित स्थान पे यदि जाते हैं, तो और उसमें क्या हो जाता है, और नशीली दवाइयों का भी सेवन करते हैं, तो उन सारी चीज़ों में भी क्या होता है, हाथ कांपते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा काफ़ी रिएक्ट करता है हमारे बॉडी में, हाँ, और जिसके कारण से खून में भी तो वो मिल जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। यदि आपके मस्तिष्क में भी ब्लड का सर्कुलेशन यदि ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण से भी आपके हाथ पैर कांपेंगे। तो ध्यान रखें कि आपके शरीर में क्या हो, ब्लड प्रेशर का सही सर्कुलेटर हो, खून का कमी नहीं हो, विटामिन B12 का कमी नहीं हो, विटामिन B12 सही मात्रा से हो, सही पोषक तत्व ले, समय समय पर भोजन करे, 3 टाइम भोजन करे, सही समय में सो के उठे, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करे, यदि इन सारी चीज़ों की यदि आप ख्याल रखते हैं, तो आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपका हाथ पैर नहीं कांपेगा। भले आप नहीं देखे होंगे कि हमारा हाथ पैर कांप रहा है कि नहीं कांप रहा है, लेकिन आप एक बार जूम करके जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आपके पास यदि कोई सवाल होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।